कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेणात क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कश्चानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्ण चरण मम श्री कृष्ण चरण मम श्री कृष्ण चरण मम। बहुत भाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों और मिलजुल के अपने मन को एकाग्र करे आने का पूरा पूरा लाभ उठाए। इन दिनों भगवान जी की विशेष कृपा का लाभ उठाते हुए और उनकी दिव्य प्रेरणा को लेते हुए हम लोग 17वें अध्याय के इस प्रसंग पर विचार विमर्श कर रहे हैं। महाराज जी तीन प्रकार का तप विस्तार पूर्वक वर्णन किए जा रही है। तीन प्रकार का तप विस्तार पूर्वक प्रभु बताए समझाए जा रही है। तीन प्रकार का तप शारीरिक वाचिक और मानसिक। इन दिनों हम पहली तप पर विचार कर रहे हैं शारीरिक तप। तप का अर्थ सुनकर डरना नहीं, तप का अर्थ ले रहे मेरे भगवान जी शरीर का सबसे ज्यादा लाभ उत्तम लाभ मैक्सिमम बेनिफिट किस शरीर का जिस आज नहीं तो कल या अपनी जीवन अवधि समाप्त करने के पश्चात चला जाना है। आपने आयु की समाप्ति के बाद जिसने नहीं रहना और अब भी शरीर हमारा इसी तरह जा रहा जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा घुलता जा रहा है। मेरे सजनों ओ मेरी कल्याण कामी जब एकाग्र रहना। सुनो मैं आपको भगवान की मीठी मीठी और अत्यंत कल्याणकारी बातें सुनाऊं। चूंकि आप कल्याणकारी जीव है, आप कल्याणकारिणी है, कल्याण चाहती है, आपके मन में एक बगावत होती है खाना पीना बच्चे बनाना मर जाना, आप परमार्थ बनाना चाहती है कुछ और कर जाना चाहती है, तो सुनिए मेरी भगवान की कल्याण से भरपूर बातें। कल्याण से भरपूर बातों को ही ज्ञान कहती है। अपना लिया जाए तो उसी को विज्ञान कहती है और अपना लेने के बाद फिर वो विज्ञान भी नहीं रहता। कोई बताएगा भगवान जो बता रहे हैं वो ज्ञान है। अच्छा कल्याणकारी बातों को ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान को अपना लिया जाए तो विज्ञान है और जब वो अपना ली जाए तो वो विज्ञान नहीं होता, उससे हो जाता है कल्याण। वाह बहुत अच्छे, बहुत ही स्पष्ट करती है हमारे लाइफ के गाइड फ्रेंड और फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा कमाल कर रहे हैं। प्रभु करे मैं समझा सकूं और आप समझ के अपना सके। अब ये चल रहा है 14वां श्लोक 17वें अध्याय का, जहां भगवान जी बता रहे थे। थोड़ी सी रिवीजन करता हूं मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो शरीर का तप अर्थात शरीर को तपाना मतलब नहीं, सिताना मतलब नहीं, रुलाना मतलब नहीं, या कोई हाथ की क्रिया नहीं। कितना क्लियर कर रहे हैं हमारे सरताज और हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण। इसका उत्तम लाभ कैसे उठाया जा सकता है। हर एक की यह इच्छा होती है कि मैं बेस्ट यूटिलिटी इससे लूं, मैं इससे ज्यादा लाभ लूं। इकोनॉमिक साहब की यानी अर्थशास्त्र दुनिया में यही सिखाता है। इकोनॉमिक का नाम सुना होगा, इकोनॉमिक बच्चे अर्थशास्त्र। थोड़ी सी चीज का ज्यादा लाभ सारा आपका इकोनॉमिक यही बताता है। आपके पास 5 रुपए है, अधिक लाभ कैसे उठाए। चूंकि इंसान के पास कामना को तो अंत कोई नहीं, साधन थोड़े गए। इकोनॉमिक शुरुआत यही से, मीन्स लिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड। तो फिर सेटिस्फेक्शन ज्यादा ज्यादा लेना चाहते कैसे, बस यहीं से आपका अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक शुरू जाती है। समझे बेटी, दुनिया में साधन थोड़े गए, कामना है और बढ़ती जा रही है, तो हाउ टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। भगवान जी ने उसका नाम तप दे दिया। शरीर इसकी लिमिटेड आयु और काफी हम खा चुके, आयु काफी हमारी आयु बर्बाद हो गई। अच्छा हाँ, अब जो रह गई
चाहे एक दिन है चाहे 100 दिन, इसका अधिकतम लाभ कैसे उठाए। सुनो मेरी देवियों, बहुत लाभकारी प्रसंग आपके लिए मालिक ने चलवा दिया। अधिकतम लाभ, ज्यादा से ज्यादा लाभ हम इस काया का कैसे उठाए। कैसी काया, जिसने आज नहीं तो चला जाना। हा काया माया बादल छाया, इसको गुसाई जी क्या कहेंगे, शिरोमणि भक्त शिरोमणि जी ने क्या कहा, काया माया ये कैसी है, बादल छाया मूर्ख मनुआ क्यों भरमाया, उड़ जाएगा सांस का पंछी फिर क्या आनी जानी। तो राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तुम्हारा जी अपनी शुरू से बता रहे थे इष्ट देव के उपदेश के अनुसार, लो पहला पहली क्वालिटी जो उत्तम लाभ उठाए, अपने इष्ट देव के उपदेश के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। इससे बढ़ के उत्तम लाभ ना उठाया जाएगा मेरे सजनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, अपने इष्ट देव अर्थात भगवान के उपदेश को अपने जीवन में ढाल ले, काया का उत्तम लाभ हो गया। अच्छा, जैसे सौज मंडी के अंदर प्राय हर दुकानदार ने टेलीफोन लगा रखे हैं, आज के टेलीफोन के बिना दुकानदारी नहीं चलती, खासकर बिजनेसमैन की दुकानदारी ठप है। अब उनके पास टोकरे आए पड़े हैं लखनऊ से या इलाहाबाद से या और कहीं से बागों के, अब वो बेचने जाते जहां देखती है तो उनको नजर आ रही है एक टोकरी के ज्यादा 25-26 रुपए जा रहे हैं। अब वो फोन कर रहे हैं, कैंटे फोन किया, चंडीगढ़ फोन किया, लुधियाने फोन कर रही है, क्या भाव है क्या भाव है। जब उन्होंने जलंधर फोन किया तो जो टोकरी यहां 28 रुपए की बेच रही है वो वहां पर 38-40 रुपए की जा रही है। अब टेलीफोन से पता लगा कि इन्हीं ये टोकरियां, मेरे पास 100 टोकरियां आई पड़ी, अब इन टोकरियों को अगर मैं जलंधर ले जाता हूं रास्ते का किराया भी निकल जाएगा ट्रक का और फिर भी बहुत लाभ है ये लियाकत। इसी तरह ये कमीशन एजेंट लाभ उठाया करती है, फ्रूट कमीशन एजेंट या कोई भी कमीशन एजेंट है, या अनाज मंडी में आपके अनाज बेचने वाले, इसी तरह मालोमाल हो जाते हैं ये लोग कि मुझे इस मंडी में नहीं चीज बेचनी, मुझे जाके जलंधर बेचनी है। इस तरह हमारी लियाकत है कि ये शरीर को सिर्फ खाने पीने भोगने में नहीं बेचना, इसको भगवान की उपासना में बेच देना, भगवान की उपासना में कंज्यूम कर देना है। सयाने बनो मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, रहने तो किसी ने है नहीं, कोई आज गया कोई कल गया कोई जाने वाला अभी अभी, यू एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी वन आफ्टर अनदर। तो इसका उत्तम लाभ भगवान के उपदेश को अपनाना, जिस उपदेश को गीता जी ने प्रिजर्व किया हुआ है, जो भगवान का उपदेश बहुत बड़ा आसान है कि गीता जी ने उसे क्या सुरक्षित रखा है, भगवान के उपदेश को सुरक्षित रखती है जो गीता, भगवान के अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी उपदेश को सुरक्षित रखती है जो गीता। अब उसको मेरे जैसे उसे समझ लीजिए और फिर अपना लीजिए, बस मैंने अपना लेना, बस मैंने ऐसे अपने एवरीडे लाइफ, अपनाने का मतलब अपने दैनिक जीवन में उतारना, अपने एवरीडे लाइफ में उसे ट्रांसलेट करना। हां तब ये मिट्टी में, मिट्टी से बनी हुई मिट्टी में मिल जाने वाली काया सफल होगी। मिट्टी से बनी हुई, 5 तत्वों से बनी हुई, 5 तत्वों मिल जाने वाली काया का उत्तम लाभ और कोई भी नहीं। आगे बढ़ो, आगे हमने देखा, आगे मेरे महाराज जी बता रहे गए, हम आगे ले, ये तो उत्तम हो गया, और भी मेरे भगवान जी बड़ी बारीकियों में जा रही है, बड़ी गहराई में जा रही है। प्राज्ञ जो हमें कला सिखाती है, जैसे स्कूल में कॉलेज में हमारे टीचर है या कलाकार है, जो हमें व्यवहारिक ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान लौकिक ज्ञान, अच्छा जो धार्मिक तो नहीं है पर है लौकिक इस लोक के साथ संबंधित, हाँ उनके अनुसार अपने आप को बना लेना, किसी से कोई कला सीख लो, क्या तक भिखारी ना बनना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमारा देश कहता है उसी के भाग अच्छी है जो अपना हाथ यू करता है, ले मेरे भाई ले मेरे भाई, ये गरीब को दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये बेटी को दे रहा है, ले मेरी बेटी ले मेरी बच्ची, लो बच्चों की माँ ये ले लो खर्च कर लेना,
वो दिन भगवान करे आपके जीवन में कभी ना आए जब किसी के नीचे हाथ रखना पड़े। ये आपके देश की पुकार, ये भगवान से कहा करो, वो जिंदगी में दिन ना आए मेरी बेटी जब किसी से कुछ मांगना पड़े, किसी के नीचे हाथ रखना, बैगर बनना, भिखारी बनना। आप नेक है, भक्ति करने वाले हैं, भगवान के प्यारे हैं, भगवान कहे वो दिन कभी भी ना आए जो किसी के नीचे हाथ रखना पड़े। दिन बढ़िया होती हैं जो अपना हाथ किसी के ऊपर हो। ये कब होगा? जब वो कला सीख ली जाए तो उनका आदर मान करो, शरीर से प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, और भी समय समय अनुसार, परिस्थितियों अनुसार, समय समय अनुसार, परिस्थितियों अनुसार उनकी जैसे भी सेवा इस शरीर से बन पड़े कर दीजिए और उनसे कला लीजिए। कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई इलेक्ट्रिक संबंधी उनके पास काफी बात ले लो। अच्छा, कोई कारपेंटर है उससे वो ले लो, कोई और कला जानता है वो ले लो। अच्छा, वो उनसे सेवा करके, चाहे धन से सेवा करो, चाहे उनकी उनके फीस देनी पड़े, कुछ पेपर ले लो। ये नंबर दो पर चला गया। बेस्ट होगी कि परमार्थ की लाइन अपने भगवान से ले ले। उसके बाद हो गया प्राज्ञ, जो जानकार है, लौकिक विद्या देने वाले हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, या आपके आईटीआई। आईटी में क्या है? सारी कलाएं दे रही है। बीचे आईटीआई में क्या दे रहा है? और आपके जो और कॉलेजेस है आपके हवाला में, तो क्या दे रही है? सिविल है, इंजीनियरिंग है, ये सब क्या हो रहा है? ये आपको कला सिखा रही है? आदर मान सिंह से सीख लो ताकि आप ये रोटी कपड़े मकान में क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। इस ग्रास बॉडी को आप आसानी से पाल सके। शरीर का लाभ हो गया और भगवान से ये कहा करें, प्रभु मैं कभी किसी से मांगू नहीं, मैं भिखारी ना बनू। सवेरे उठ के नहा धो के पाठ करके क्या आप ये नहीं बोल दिया करेंगे भगवान से हाथ जोड़कर, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध ना भूखा। हाय, ये आपके देश की मांग, मेरी भगवती ये आपका देश पुकार रहा है, कुटुंब भी मेरा भूखा ना रहे, कोई मांगने वाला महात्मा ये साधु आए उसके भी मैं झोली में कुछ डाल सकूं, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध ना भूखा जाए। साईं इतना दीजियो, मुझे इतना तो दे दो मेरी मालिक, कि मैं दरवाजे पर आए हुए, दर पे आए हुए को खाली ना भेजू। अति सुंदर, ये हो गया आपका बाहरी रूप में लौकिक कलाकार की इस सेवा। आगे मेरे प्रभु कह रहे हैं शौचम, शरीर को पवित्र रखना। और जरा विचार करें, पवित्रता होती है बाह्य और आंतरिक। एकाग्र हो जाना मेरे देवियों, मेरे सजनों, आज मैं इसी पर अपना समय व्यतीत कर दूंगा और आपका समय सफल करूंगा। शौच शब्द वैसे तो हम जाते हैं पेट को साफ करना हो तो शौच, वो भी तो शौच है ना, क्या अपने अंदर के मल को निकाल के हल्का हो जाना, ताकि जो गैस चल रही थी, सिर भारी हो रहा था और अजीब किस्म के शरीर असामान्य या अबनॉर्मल बन रहा था, ठीक हो गया, पवित्र हो गया। लेकिन हमारा हिंदू धर्म इसको नहीं, शौच ये छोटे अर्थ है, शौच का मतलब अपने शरीर को साफ सुथरा रखना, स्नान करना, तो सब स्याने हैं, कपड़े मेले कुचैले नहीं पहनने ताकि शरीर सुथरा रहे, वो आप करते ही है। मैं अंदर घुस जाऊं, जो पवित्रता है आंतरिक पवित्रता मानी जाती है। जिस देश में हम आए हैं, धर्म भूमि भारत में, वहां का जयकारा है सनानम मनोमल त्यागम। ये आपके देश की अमर ध्वनि है, ये आपका देश का अत्यंत मीठा और कल्याणकारी जयकारा है, सनानम मनोमल त्यागम। अरे भाई, सच्चा स्नान तो मन के विकारों को दूर करने का नाम है, मन के विकारों को दूर करने का नाम स्नान है। मन के विकारों को, विकार क्या होते हैं? जो इंसान, जो मन को दुख देते हैं, जलील करती हैं, बर्बाद करती हैं, वो ये पांच ही माने जाते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार। हाँ, ये आपके तबाह कर देते हैं, पता ही नहीं। माँ शुरू से समझा देती, पिता भी समझा देते, मुझे बार बार कहना पड़ता है, ब्राह्मण इस धरती के देवता माने जाते हैं भारत में,
वो हमें अपने ज्ञान और तप के आधार पर कुछ समझाते ताकि ये अंदर के शत्रु बढ़ते नहीं। शत्रु कौन होता है जो बड़ी बनाई शांति को खराब कर दे। शत्रु की परिभाषा जो हमारे देश में की जाती है, आपकी बड़ी बनाई शांति को, आपके बने बनाए पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर दे, उसको हम शत्रु कहते हैं। और हमारी शांति को जो बढ़ा दे उसे हम मित्र कहते हैं। जो शांति को बढ़ाए वो मित्र, और जो हमारी शांति को घटा दे, हमारे में हलचल पैदा कर दे, उसे हम वैरी कहती हैं, शत्रु कहती हैं। अब ये जो गंदी वृत्तियां, नेगेटिव क्वालिटी, ये नकारते वृत्तियां, ये हमारी बनी बनाई सेहत को, हमारे अमन चमन को बिगाड़ के रख देती है। अब इन इनको मत समझना कि ये गंदगी है, चूंकि ये मेरे साथ वैर कमा रहे हैं। काम आता है तो कितनी हलचल मार जाती, बुद्धि मारी जाती है। क्रोध आती है तो अंदर ज्वाला भड़क उठती है, और क्रोध को कंट्रोल ना किया जाए तो कत्ल तक वारदात हो जाती है। लड़ाई झगड़ा फसाद क्रोध से शुरू हुआ। हाँ, काम क्रोध लोभ भगवान ने दे भी रखा है, लेकिन लोभ ने हमें टट्टू बना रखा है। अभी और कमाना, अभी ये करना, अभी ये बनाना। हालांकि काफी रुपया आपके पास है, थोड़ी बहुत मेहनत कर लो, पर सवेरे से शाम तक आप चक्की पीसते रहती हैं। मेरी बेटियां भी, मेरे भाई भी, अरे काफी रुपया पड़ा है, पिताजी काफी कमाया, थोड़ा काम कर लो ना। लोभ ने मेरा घर कर रखा, फिर मुंह बुद्धि पर आवरण डाल देता है, फिर अहंकार, किसी को कोई समझना ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। भला कौन होता है मेरा आरिफ, जो 16वें अध्याय में भगवान ने विस्तार पूर्वक कहा। बड़ी गंदी वृत्ति मन की, ये वृत्तियां हैं, नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ द माइंड। अब इससे क्या होता है, अंतःकरण खराब हो जाता है, खराब अंदर विक्षेपता में आ जाती है, मन में हलचल मच जाती है। और देखा आपको महर्षि वेदव्यास जी ने क्या कहा, सुख और दुख की परिभाषा नोट किया करो, और एकांत में बैठ के जब फुर्सत घड़ियां मिल गई करे मेरे देवियों, जरूर मनन किया जाना चाहिए। गीता का हर शब्द मनन किए जाने योग्य है। जितना आप मनन करेंगे उतना ही आपके अंदर ये बात बैठेगी। जितनी जो है अनाज की चक्की पर कनक के पीस के देंगे बारीक, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। मोटी पीसा हुआ पशु खाते हैं, इंसान के लिए जरा बारीक आटा हो उसके बाद भी हम छानते हैं ताकि उसमें गड़बड़ ना हो, कोई और खराबी ना हो, शाबाश। इसी तरह हम लोगों को बड़ा बारीकी से अपने अंदर जाना चाहिए, बड़ी बारीकी से, बहुत बारीकी से, क्योंकि ये अंतःकरण को खराब कर देती है वृत्तियां। क्या व्यास जी ने कहा, सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, कितनी बारीकी से गए व्यास जी। ध्यान देना, मैं आज फिर बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं, क्या मन के टिकाव का नाम सुख। सुनो नेक जीवो, ओ मेरी नेक देवियो, मन के टिकाव का नाम, मन टिका रहे, मन अपने बैलेंस को ना खोए, अनबैलेंस ना हो, हमारा संतुलन बना रहे। हाँ, हमारा तवाजन खराब ना हो, इसको सुख कहती है। ध्यान से सुनना, बहुत कमाल किया है हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास महाराज जी ने, बहुत कमाल किया। मन के टिकाव का नाम खुशी है, लो इसके उल्टे लो, मन की भटकन का नाम दुख। अगर किसी भी कारण से अपने मन को भटका लिया, इसी को दुख कहती है। हलचल मच गई, बेचैनी हो गई, मन में बेकरारी हो गई, आपका एक दिन क्या एक घंटा गुजारना भी आपके लिए निहायत मुश्किल, अति कठिन हो जाता है। शाबाश, सुख दुख की परिभाषा बहुत सराहनीय है महर्षि वेदव्यास जी की, अत्यंत सराहनीय। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, मन के टिकाव का नाम सुख। हाँ, लेकिन ये गंदी वृत्तियां मन को टिकने कहां देती हैं। इनमें एक ही वृत्ति बढ़ जाए काम, तो यही भटका के रख देती है हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, और उसी का कुप्रभाव हमारे तन पे आ जाता है। तो अब भगवान क्या कह रही है, इस शरीर का उत्तम लाभ क्या है, इन गंदी वृत्तियों से अंतःकरण को खाली कर दिया जाए, अर्थात शौच, अंतःकरण को पवित्र कर लिया जाए। भगवान आपको दिव्य शक्ति दे मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अंतःकरण पवित्र हो जाए, इन वृत्तियों छूट जाए। जो जो आपकी भक्ति बढ़ेगी, जो जो विवेक और वैराग दोनों बढ़ते जाएंगे, ये नहीं टेक सकते। विवेक के आगे इन गंदी वृत्तियों की दाल नहीं कर सकती, वैराग के आगे इनका पग नहीं रह सकता।
ये पार अपने फड़फड़ा नहीं सकते, ये गंदी वृत्तियां भागती हैं जितना विवेक पर राग बढ़ता है। विवेक कहता है कि सारे जहान में नित्य एक भगवान है, बाकी सारा जहान अनित्य है। वैराग भड़क उठता है, जब वैराग भड़क उठता है तो गंदी वृत्तियां भस्मीभूत होती है। राग में, मोह में, आसक्ति में, अटैचमेंट में, याद रखिए सज्जनों देवियों, ये गंदी वृत्तियां रह सकती हैं। जब मन में हमारे मोह भरा पड़ा हो, हाँ, और जब मन में विवेक आ गया, नहीं मेरा कल्याण केवल भगवान से होना है, तो वैराग महाराज जी फौरन उत्पन्न हो जाती है। और वैराग के सबसे पहला काम होता है इन बुद्धियों को निकालना, अपने अंतःकरण को निर्मल कर देना। चूंकि बुद्धि से उतर हुए आवरण हमें बता देती कि ये मैंने क्या कर लिया, ये तो मैंने अपनी बर्बादी आप मचाई, मैं अपना वैरी आप बन गया। इन वृत्तियों रखकर अब भगवान कहते शरीर का लाभ निकालो, इन वृत्तियों को विवेक वैराग को बढ़ाकर बेटी अपने विवेक वैराग भगवान के ज्ञान से बढ़ती जा रही है। लेकिन जरूर देखिए, भले ही आपके नारी का चोला आप गृहस्थ आश्रम में है, भले ही आप एक गृहस्थी है और आपकी जिम्मेवारियां हैं, लेन देन का काफी संबंध है, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार आपके कल्याण के आधार पर आपको कहूंगा इन गंदी वृत्तियों को निकालो। यही जबरदस्त बाधा है हमारे कल्याण के मार्ग में, हमारे परमार्थ के मार्ग में। हाय, जबरदस्त यह हर्डल है हमारी, यह बैरियर है हमारे रास्ते में, बहुत बाधा, बहुत बाधा। एक ट्रक जा रहा है सड़क के ऊपर, रास्ते में बार बार बैरियर आ जाए, चुंगी आ जाए, तंग आ जाते हैं, वो मर गए हम, गवर्नमेंट को सिर खा गए, बैरियर हटा दिए, हमारे से इकट्ठा ले लो जो रुपया लेना है। ये बार बार हम तो बड़े तंग, यहां रुको, फिर वहां रुको, फिर वहां रुको, ये भी तो मार्ग में बैरियर है, आयु थोड़ी रह गई, ये तो बाधाएं है। कभी काम रोक रहा है, कभी क्रोध रोक रहा है, कभी मोह रोक रहा है, कभी लोभ रोक रहा है, कभी अहंकार में रोक रहा है, तो जीव की स्पीड क्या बढ़ेगी, जीव आगे को बढ़ेगा। कहती है ये शताब्दी गाड़ी चली है आपके राजधानी से राजधानी, चंडीगढ़ से दिल्ली तक चली है, कहती है कि 3 घंटे पहुंच जाती है, और चंडीगढ़ से मैं जानता कितने में चलती है 6:30 या 7, तो ये 9 बजे पहुंचा देती है मार्केट टाइम दिल्ली में। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर है ये, नहीं, ये वहां से चली कैंट खड़ी हुई और कैंट से चली दिल्ली खड़ी हुई, लाइन क्लियर और फुल स्पीड से जाती है। तो ठीक है, 3 घंटे पहुंच गई, मार्केट बिजनेस से पहले आपको पहुंचा दिया, क्यों रुकती नहीं ना, इतने स्टेशन है, स्पीड तो भाई तबाह हो जाती है, वो दूर से अपनी स्पीड कंट्रोल करने लग जाता है जब दूर का आउटर सिग्नल देखता है, तो जब है ही लाइन क्लियर, उसके कितने संस्कार अच्छे गए। आप जैसे जो परमार्थ की मंजिलों को तय करना चाहती हैं, आप जैसी दीवियां जो परमार्थ के पड़ाव को निकल के आगे बढ़ जाना चाहती हैं, जिनके रास्ते में ये रुकावटें खत्म होती जा रही है, ये भी तो स्टेशन है, काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, अगर ये ना रहे विवेक वैराग के आधार पर, जैसे सेंचुरी ट्रेन कही बड़ी जल्दी दिल्ली पहुंच जाती है, चूंकि विद फुल स्पीड, क्या नॉन स्टॉप, चूंकि ये स्टेशन ही थे, इसके लिए बाधा थे यार, अगर भी स्पीड पकड़ती है स्टेशन आ जाता है। आम गाड़ियां यही चलते नहीं पहुंच सकती, 4-4, 5-5 घंटे लगाती है, फिर स्पीड पकड़ी, फिर अगर स्टेशन आ गया, फिर ब्रेकें लगाओ, फिर रुको, फिर चढ़ाओ उतराओ, कितना वक्त जाया होता है, और इसलिए रुकना ही नहीं, सीधा जाके कैपिटल में रुकना है। इसलिए कितने अच्छे भाग्य हैं जिन्होंने अपने अंतःकरण को इन वृत्तियों से छुड़ा लिया, उसने अपने समय का, अपनी आयु का और अपनी मिट्टी में मिल जाने वाली इस काया का लाभ उठा लिया। सुनो नेक देवियों, आमतौर पर दृष्टिकोण ही इस मार्ग में लगते, ये वृत्तियां आप कंट्रोल नहीं करते, ये आपकी बस बाधा है। मेरे आचार्यों ने कहा जैसे किसी में पेट के अंदर पड़ जाती है कीड़े, बेटी इतने भी मलब पड़ जाते हैं मोटे मोटे, अब आप इतनी अच्छे फल भी खाती हैं, दूध भी लेती हैं, मलाई भी लेती हैं, और भी काफी चीजें पौष्टिक तत्व वाला भोजन लेती हैं, लेकिन आपकी सेहत नहीं बन रही। क्यों? जो आपने खाया पिया, खून बनना था, वीर्य बनना था और आपके अंगों को जाना था, वो तो मलब खाई जा रहे हैं, सेहत कहां से बने? अब जब तक आप मलब ना निकालें दवाइयां ले ले करके, हाँ पर चीखे मारेंगे जब आपके शौच के रास्ते से ये चलते फिरते मलब, क्या
अंदर ये कीड़ा निकला, इस तरह 5-6-7 कीड़े यही आप खाया पिया कर जाते। इस तरह सजनों, वो तो हमारे जो है ना मल के कीड़े हैं, ये हमारे अंतःकरण के कीड़े। जब तक ये विवेक वैराग से निकलेंगे नहीं, मैं कितना समझाता रहूं, आप मेरे पाठ करते रहे, ठोस लाभ ना होगा मेरी देवियों। ओए होए, ओए होए। तो यही तो हमारे भगवान जी कह रही है, इस काया का लाभ उत्तम लाभ कब है, जब ये मलप निकल जाए, वैराग से नेगेटिव क्वालिटीज नकारा वृत्तियां हमारे अंदर ना रहे। भला हो, भगवान जी बहुत कमाल है, हमारे में एहसास का मादा पैदा की जा रहा है। बेटी, आज तक किसी ने किसी को उपदेश नहीं दिया, सुन के हैरान जाओगे, ना कोई उपदेश देगा, वो अपने ज्ञान के आधार पर हमारे में एहसास का मादा पैदा कर देता है। जो हमारे में एहसास, हाँ, हमारे में फीलिंग पैदा हो जाती है, रियलाइजेशन ऑफ फीलिंग है। फीलिंग किसे कहते, एहसास किसे कहते हैं देवी, मैंने करना क्या था और मैं कर क्या गई, ये एहसास। हर पर बाह, मेरे जीवन में ये तो नहीं करना था, मैंने ये करता रहा, लानत मुझे, ये एहसास, ये फीलिंग। हाँ, ये तो नहीं मुझे करना था, ये जीवन में अनुभूतियां। अच्छा, वह भी जी बड़ी जल्दी अपनी बिगड़ी बना लेता है, बड़ी जल्दी, जितने भी बने हैं, हम भी अगर कुछ बन रहे हैं तो एहसास हमारे में भगवान जी बढ़ाई जा रही। बड़े बड़े डाकू रत्नाकर अगर वाल्मीकि बन गया तो कैसे, अपने नारद जी ने एहसास करवाया, तू कर क्या रहा है, कतर करके रोटी खिलाते है माँ बाप और पत्नी को और खुद भी खाता है, तो ये पाप भोगेगा कौन, तुझे अकेले को भोगना पड़ेगा। अपनी जीविका और बना बुद्धू और रत्नाकर, इस तरह पिंगला वेशिया कबीर जी द्वारा या अपने दत्तात्रेय द्वारा समझाई गई, तो कहीं से कहां से कहां निकल गए है। मैं इन गंदे पुरुषों का गंध उठाती हूं और अपने कैटर को बर्बाद, कईयों को बर्बाद करती हूं। चोटी की भक्ति मती बन गई, चोटी की आप जानते हैं बेटे, जीवनी पढ़िए, ये आपने भर्तृहरि की जीवनी ना पढ़ी हो तो लीजिए वैराग शतक लाइब्रेरी से और उनकी जीवनी पढ़िए। इतना अपनी पत्नी पे मरने वाला, सगे भाई को भी निकाल दिया पत्नी के बकवास के ऊपर, और उसी के शरीर आहाड़ मास चांप पर इतना मर रहा है भर्तृहरि, और जब एहसास हुआ कि ये मेरे पास अमर फल आया है, महात्मा जी ने अमर फल भर्तृहरि को आके दिया, मैं क्यों खाऊं, मैं तो भगवान की जात पे समा जाऊंगा, मेरे खाने से जनता को लाभ, आप खाओ, आप धार्मिक राजा हैं, काफी जनता आपसे लाभ उठाएगी, आपकी आयु लंबी हो जाएगी, लेकिन मोह पत्नी के साथ मैंने खा के क्या करना है, उसका जोबर बना रहेगा, हाँ मेरी पत्नी सुंदर रहेगी इत्यादि, उसको उसको दे दिया, तू खा ले। अब वो मेरी बेटी कोई ऐसी ना बने, मेरी बच्ची आपने कल्याण करना है, मुझे क्षमा करना। अब वो मिली हुई द्रोहे के साथ यानी कोचवान के साथ, उन नलेक, तू इतनी महारानी और राजा क्या, सम्राट, बादशाह भी नहीं, सम्राट अर्थात एम्परर, नट किंग नहीं है, एम्परर है, अर्थ कई बादशाह उसका पानी भरती है, उसको हम सम्राट कहती है, जिसके नीचे कई पहो, उसकी सम्राज्ञी, अपनी भाषा में कहेंगे सम्राज्ञी, उसकी सम्राज्ञी, और ये कोचवान के साथ, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली कहावत मशहूर है, इस नलायक को पता ही नहीं, समझ ही नहीं है, ऐसे इंसान बहुत ऊंचा हो, हाँ, और ऐसे नीचे जो अपने नौकर है, अपने अधीन है, उनके उनके साथ प्यार करना, अपने पति से ज्यादा भी मिक्सअप हो जाना और अपने पति को धोखा देना, ऐसे आदमी नलायकों को बाद में पता लगता है, हर एक को भगवान ने बताया बाद में, हा जी लानत है ऐसे के साथ मिक्सअप होना, बहुत लानत, बहुत लानत, इनको अपने घरों में दाना हर दो लानत। राजा ने बड़ी गलती की जो अपनी मुंदरी दे दी कि आप हमारे सदस्य माने जाएंगे, जैसे बाकी हमारे घर के सदस्य हैं आप भी मेंबर माने जाएंगे, तो आ जा रहा है, मिक्सअप हो गया, हर दो लानत, ये करना ही नहीं था हमारे भोले भाले भर्तृहरि ने, इनके साथ रहना, ये अगर गंदे बन जाए तो पत्नी खराब होगी,
हाँ, और अगर चंगे बन जाए तो मुंह कर लेते, इसलिए इनको कहा गया दूर ना, ये चंगे अच्छे नहीं या मंदे अच्छे। ये उर्दू बोलते हैं हर दो लानत, कभी सुना आपने? इनको दोनों समय लानत, ये ठंडे रहे तो भी गंदे हैं, और ये घर में मिक्सअप हो जाए तो हमारी बच्चों खराब करेंगे, पत्नियों खराब करेंगे, इसलिए इनको दूर रखना चाहिए। छोटे आदमी को, इन्फीरियर को, ऐसे नौकरों को। एक कहावत सुनी आपने, आहा आहा आहा, कुत्ता रीझे तो मुंह चाटे। सुनो ना ए मेरी भोली बाली देवी, कुत्ता रीझे तो मुंह चाटे, और कुत्ता खींचे तो क्या लात काटे। हर पा अगर क्रोध में आ गए तो आपकी टंग पकड़ लेगा, मोटी निकाल लेगा, और अगर प्यार में आ गए तो आपका मुंह चूमेगा। दोनों हालतों में खराब है। हर दो लानत, कुत्ता रीझे तो मुंह चाटे, और कुत्ता खींचे तो लात काटे, मोटी काट लेगा अपने। ऐसे आदमी को दूर। यही तो हमने अपने भगवान से सीखना है, यही तो अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लेना है और सेना बन जाना है। फिर देख लीजिए वही फल द्रोगे को जाता है। हाँ, द्रोगा नालायक, वो किसी वेश्या को चाहता है। मैंने क्या फल खाया, देखिए कितनी नमक हरामी हो रही जगह जगह, वो अपने वेश्या को दे आता, रात गया उसको दे के आ गया। अब वो साईदा सोई नहीं, मैंने खा लिया, मेरा जबर बना रहा। हाँ, तो मैं कई यंग मैन का कैरेक्टर बर्बाद दूंगी, खुद भी तो नरक में जाऊंगी और अनेकों को नरक में ले चलूंगी। लाना था मुझे, मैं नहीं अमृत पल पाती, मैं तो अपने राजा को दे आती हूँ। देखिए सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। देखिए इसको बोलते हैं दुनिया गोल है। दोबारा फिर सवेरे खड़ी वेश्या इतनी मशहूर थी, बड़ी पॉपुलर थी उस सिटी में, गई हैरान होगी नौकर, तू क्यों आई हमारे राजा के पास? मैं कोई गंदगी नहीं लेके आई, मैं वो चीज लेके आई हूं जो राजा को किसी ने दी होगी। है हाँ, राजा मुझे मालोमाल कर देगा, मैं एक बड़ी अच्छी भेंट लाई हूं जो करोड़ों रुपए की इससे भी जो है महंगी है। कहे महाराज वो फलानी वेश्या तो क्या कहती है कि मैं एक ऐसी भेंट लाई हूं जो करोड़ों रुपए की है। ऐसा कोई सोना, ऐसा कोई हीरा उसे किसी यार ने दिया है और मुझे भेंट करनी आई है। बुलाओ, गई, बोलो, कांप रही है कि मैं तो गंदी वेश्या हूं और मुझे मालिक ने अपने राजा जी ने जो धार्मिक दिया है, क्या लाई है? कपड़े में लपेटा हुआ, बगल में छिपाया हुआ, जो क्या सुदामा के तरह निकाल लिया। महाराज ये अमर फल है, ये तो वही अमर फल। फिर आगे आप पता ही है, अब जानते ये एहसास हो गया राजा को क्या, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई मोटा चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, ये सारी स्वार्थी। बात बढ़ती 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 कहां गई? हाँ, ये सारे इन्वॉल्व है, सारे एंटेंगल है, और मैंने सभी भाई अपने को विक्रम को निकाल दिया यहां से, इस गंदी के कहने पर फाड़ दिए अपने कपड़े, फाड़ दिए, तोड़ दिए अपने वाल, वो गया राजपाट, चले गए तप करने के लिए। एहसास ही हुआ ना, इस तरह भगवान की वाणी सुनकर मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हमारे में एहसास हो रहा है। मैं फिर एहसास की परिभाषा करूंगा, मुझे करना क्या चाहिए था और मैं करती क्या जा रही हूं। भगवान कहते जिसे ये नहीं पता, देखो चट्टाध्याय में प्रभु क्या कह रहे हैं, हमारे सरताज क्या कह रहे हैं, वो दुश्मन है अपने लिए, आपने जरूर पढ़ा होगा चट्टाध्याय, वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर, वो इंसान अपने आप का आपके साथ वैर कमा रहा है, जिस बिचारे को ये नहीं पता उचित क्या है अनुचित क्या है, प्रॉपर क्या है इम्प्रॉपर क्या है। वो भारत की धार्मिक जनता, वो कल्याण चाहने वाले मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आइए हम गीता के द्वारा सियाने बने, अपनी बुद्धि के आवरणों को उतारे। हमारे जैसों को अगर मालिक भेजते हैं तो इसीलिए, आपको सियाना बनाने के लिए, आपके आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए। भगवान ने कितना चाहिए प्रसंग चला लिया, इस मर जाने वाले मिट्टी में मिल जाने वाले शरीर का अधिकतम लाभ क्या है, इसके अंदर से नेगेटिव क्वालिटीज निकाल दी जाए।
और जितनी जल्दी हो सके जब पता लग जाता है कि हमारे घर में सांप है, चूंकि देखा आप भाग के अंदर डंडा ले ले गए, सांप छिप गया, आपको नींद नहीं आती। मैं जानता हूं ऐसे घराने सारी रात नहीं सो सके, पड़ोसियों के यहां सो गए, इधर सो गए, क्या सांप है हमारे घर में, पता नहीं कहां छिप गया, हम तो नहीं सो, रात को फिर निकल आए, फिर किसी को काट खाएगा। आखिर में सपेरे को बुलाया गया, सपेरे की तलाश थी, सपेरे ऐसे गंदे हैं कि अपनी ओर से सांप ले आते हैं और अपने सांप को तरीके छोड़ के चलो तो सांप निकाल दिया। उन्हें तलाशी ली, उसकी तलाशी लेने के बाद आप बीन बजाओ, सतमुच ही सांप निकला, बिस्तरों के ट्रंक के पर एक छेद था, वो बीन पर मस्त होते रहे, निकला है बाहर। हाय, इसी तरह ये सांप से भी बदतर है। हाँ, वो तो घर में थे या दीवार में थे, ये हमारे अंतःकरण में गए। ये सफे क्या, ये आपके फंगर सांप कोबरे कौन सी, ये काम का क्रोध का मुंह का लोभ का जरूर निकालने पड़ेंगे इनको, अगर हम इसी जन्म में उनकी करके तलीन हो जाना चाहते हैं। यही बाधा और कोई बाधा नहीं मेरी देवी, और कोई बाधा नहीं। अंतगढ़ निर्मल हुआ, उधर देखो भगवान क्या कह रहे हैं, ख्याल उसके वश में तो मन मैं भी, एक करके देखो, मैं आपके लिए भेजा गया हूं, मैं कहीं नहीं आता जाता, मुझे हजार आदमी इनवाइट कर ले पर मैं नहीं जाता, ना मुझे नहीं कहीं जाना, ना जिसको प्यास लगे वो खुद आए कुएं के पास, वो खुद एकांत में आए ज्यादा लाभ उठाएगा। मैं भगवान की वाणी का अनादर नहीं करना चाहता कि जिनके मन में आदर ही नहीं है उनको सुनाते रहो, ना जिनके मन में आदर है बड़े आदर मान से आके भगवान के लाभ उठाती है। मैं भारत की इस अनमोल कहावत का क्यों अनादर करूं, क्या क्या कुआं किसी के पास नहीं जाता, प्यासा ही कुएं के पास आता है। अगर प्यासे कुएं के पास आएंगे ज्यादा लाभ उठाएंगे, कुआं बेकदरी करवाएगा अपनी, अगर कुआं ये चक्कर काटता फिरेगा तो बेकदरी। अब आप भगवान की वाणी की कदर कर रहे हैं, आप मेरे प्रभु जी की कदर कर रहे हैं, कमान आपके लिए हूं, आप भी पुरुषार्थ करो कि इन गंदी वृत्तियों को मैं निकाल दूं, भगवान से प्रार्थना करो मेरे मालिक मुझे ताकत दो, पहले पता ही नहीं था, मैं ही पालता रहा, मैं ही इनको करता रहा। जैसे मैंने घर की आवाज सुनी, सारों को एक विशेष प्रकार के लाल लाल दाने निकल आए, अम्मा को, पिताजी को, पत्नी को, हर बा और काके को, बड़े काका जो कमाता है, और उसके एक मुन्नी मुन्ना, उसको भी सारे को दाने निकल आए। डॉक्टर गए, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मैं तो घर में चलूंगा, घर में आए देखा है हैरानगी के साथ, सारों को ये दाने विशेष प्रकार के निकल आए हैं, और दाने धीरे धीरे करके बढ़ जाते हैं, उसमें से फिर पानी निकलता है, वीपिंग अंग्रेजी बोलती है ये, वीपिंग बॉयल्स, वीकिंग बॉयल्स जो बह जाले जाए उसको अंग्रेजी वीप बोलती है, वीपिंग। तो ये तो बड़े खतरनाक है, फिर जो पानी बीच में निकला अगर आगे निकला तो आगे फिर दाना और हो जाता है, इसे बोलती है छुआछूत वाले दाने, कंटेजियस डिसीज, सांक्रामिक बीमारी। तुझे तो बड़ी बड़ी, आप डॉक्टर तजर्बा कार थी, इधर देख उधर देख यहां देख वहां, हाँ पता लग गया, डॉक्टर साहब बड़े बुद्धू आप लोग, आप भी सुन लेना अगर कोई बेवकूफी कर रहा है तो, अभी अभी की ये घटना जी, आप तो बहुत बुद्धू है, दिल करता मैं आपको थप्पड़ मारू, डॉक्टर साहब मारो, मेरा कसूर होगा, हाँ आप कसूर है, ये तो कुत्ते की मेहरबानी है, ये कुत्ते में मक्खी है, वो देखिए ये लाल मक्खी, ये छोटी छोटी, ये आपके हर जगह जा रही है, इसलिए तबाह कर दिया आपको। हाँ, और कितने प्यार से पाला, और उसे या अपने जाल पे बिठा के डागी डागी डागी, ये डागी बना है कि तुम्हारा शत्रु बना है। हाँ जी, हम तो सारे प्यार करते हैं, इसी की मक्खी आप पर बैठ बैठ के खराब कर गई। अब अंदाजा लगाइए क्या वो कुत्ता पाला जाएगा, कदापि नहीं, फौरन उन्होंने अपने किसी चीज पे बिठाया और दिया है, छोड़ा है कहीं, फौरन छोड़ के आए कि नहीं इसको नहीं रखना, कदापि कदापि रखना, यही कारण से हमारा घर तबाह हो रहा। इसी तरह रियलाइज कीजिए, जैसे उन्होंने उसी वक्त कुत्ता उठाया, दूध पिलाया, निकाल दे, बस नागी तेरा हमारा इतना ही साथ था, बस तुझे बाजारों में नहीं छोड़ाते, तुझे कहीं जगह छोड़ाएंगे, पता नहीं कहां छोड़े मेरे परमात्मा जाने, पर घर से निकाल दिया। इसी तरह हम रियलाइज करें
कि ये जो नेगेटिव क्वालिटीज काम करो तो हमें बताया नहीं, माँ बाप बहन भाई या ब्राह्मण का काम था। ब्राह्मण पता नहीं किस दरबार में देनेदार बनेंगे, क्या आपसे दाल लेकर कैसी मौसी खीरे खा रहे आजकल, कैसी मौसी पूड़ियां खीरे, इनको शर्म करनी चाहिए। मैं खुद ब्राह्मण हूं कि क्या मैं बिना ज्ञान दिए ये खाने का हक रखता हूं? एक और टुकड़े का भी ये कर्म कांडी हक नहीं रखते जब तक कि आपको कुछ ज्ञान न दे, जब तक आपके अंतकरण को जगाए नहीं। मत मारी ये बुद्धि मारी समझाने वाली बुद्धि है, वो इनको अकल ही नहीं। इस घर में खा लिया, उस घर में खा लिया, तो कहां इतना बोझ उतारेंगे, कहां इतना उतरेगा कायम का? आपको तो भट्ठा नहीं बैठेगा, उनका भट्ठा बैठ गया। इन्होंने हमें समझाना था, ब्राह्मण ने क्या समझाना था, करना है क्या और न करना है क्या। हम लोग तो लगे रहते पढ़ाई में, कमाई में, शादी में, बाल बच्चों में, बीमारियों में, लेने में, ये लगे रहते हैं, जाप में, तप में, भजन में, सिमरन में, एकांत में, शास्त्रों की खोज करने में, परमात्मा को रिझाने में, अंतःकरण के अंतर्मुखी हो जाने में, ये इनका काम है, ये हमारे देश के फिलोसफर कहलाते हैं। हाँ, इसलिए जो चार भागों में बांटा गया ये हमारे देश के सिर है, हाँ, और क्षत्रिय हमारे देश के बाजू है अपने देश को बचाने के लिए, और वैश्य हमारे देश के पेट है जो हर चीज बांटती है एक एक अंग, और शूद्र हमारे शरीर के पैर है, हमारे देश के लेबर टाइप। वाह, ब्राह्मण हमारे फिलोसफर है जो हमें उचित अनुचित में बताया करते थे, और हमारे क्षत्रिय, हमारे वॉरियर्स, हमारे डिफेंस, हमारे काम आने वाले, हाँ, हमारे रक्षक, और वो हमारे बिजनेसमैन, ताकि हमें खाने पीने की चीजें सप्लाई होती रहे वैश्य से, और शुद्ध क्या लेबर टाइप। आई वेरी गुड हुई, तभी तो जैसे शरीर, अब शरीर में सिर आपका ब्राह्मण है, हाँ, हाथ आपके क्षत्रिय है, हाँ, पेट आपका वैश्य है, और पैर आपके शूद्र है। इनको अंग्रेजी में फिलोसफर कह लो, इनको वॉरियर्स और मिलिट्री मैन का जो आपके शरीर को बचाते हैं, और पेट आपका बिजनेसमैन, इंडस्ट्री मैन है, ये आपको सारी चीजें एक एक काम को सप्लाई करता है, हाँ, और पैर आपके लेबर है, लेबर टाइप। तभी तो एक शरीर चल रहा है। इसी तरह बड़े पैमाने पर कोई भी देश क्यों ना हो, ये चारों जरूर चाहिए। उन्होंने नाम अलग अलग रख लिया, हमने नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रख लिया, उनके अलग अलग नाम है, लेकिन फंक्शन तो वही है, हाँ। और अगर ये खराब हो गया, सारे अंग धक्के खाते हैं। अगर किसी का हड्डी खराब हो जाए, ये गाइड ही ना करे, ये तो हमारा गाइड है ना, हाँ, हमारा गाइड खराब हो गया तो बस बिगड़ गया। सिरते नहीं कुंडा तो हाथी पेरे लूंडा, अगर हाथी के ऊपर अंकुश नहीं, महावत नहीं है, महावत के हाथ में अंकुश नहीं, तो हाथी बर्बाद और हाथी पर बैठने वाला बर्बाद। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं बुद्धि में, तो क्या सारे हमारे हाथ बर्बाद, पेट बर्बाद, निचला हिस्सा बर्बाद, हम सारे बर्बाद हो गए, तो कुछ समझाने वाला ना हो। तो बड़ी जरूरत है मेरे भाइयों भगवान के ज्ञान की, भगवान का ज्ञान हमारा सिर है, हाय हाय, भगवान का ज्ञान हमारा सिर, इसी तो बताने हम लोगों को, ये सिर ही तो बताता हर समय, क्या ये अंडरस्टैंडिंग वेन्स ही तो बताती रहती है, ये कर ये न कर, जैसे आंखें बताती हैं, अभी आप आंखों से आए हैं, इस रास्ते आना है, इधर बैठना है, ये रास्ता है, तरीके से मैं निकल जाना है, ये अपने सिर से तो काम लिया, और सिर में अगर भगवान जी का ज्ञान भर दिया जाए, बस बहुत अच्छे भाग्य। सो भगवान कह रहे हैं, इस शरीर का, किस शरीर का, जो आज भी गया और कल भी गया, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, मेरे सज्जनों, शरीर तो चंद दिनों का मेहमान है, पता नहीं कब क्या इसका फूकना फट जाना है, भगवान बेहतर जानते हैं कब ये चला जाएगा, तो फिर इसका उत्तम लाभ। महाराज जी ने कहा, अपनी गंदी वृत्तियों को निकाल दो, शौचम, पवित्र कर लो अपने शरीर को, और वो भी आगे देखना, भगवान क्या कह रही है, शरीर को छोड़ने से पहले, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस कर लिए जेर, इन गंदी वृत्तियों को शरीर के पिंजरे से छोड़ने से पहले जिन्होंने वृत्तियों को निकाल दिया, भगवान कहते हैं, असीरे बदन रह के आजाद है,
तो इंसान वो योगी या दिल शक वो अपना कल्याण कर गया। याद रखना मेरे देवियों, हमने करना क्या है, यहां आकर गीता सुनी, गीता सुनने का मतलब क्या, अंतःकरण को निर्मल करना। अरे बोली वाली मैया और बेटी ये क्या किया, भैया हाँ ये आज रविवार है ना, तो ये कपड़ों का स्टॉक कर दिया, कपड़ों को स्टॉक क्या करना है, 6-7 दिनों के कपड़े मैले पड़े हुए थे ना, आज के दिन हम धो देते हैं, ये सारी इनकी मैल निकाल देंगे, मैल निकाल के फिर इनको धूप पे सुखा के इनको प्रेस करके हर एक की अटैचियों में डाल दी जाएंगे। वेरी गुड। तो अब यहां क्या करना है, यहां आए हैं वो तो कपड़े धोने होते हैं, या अंतःकरण की सफाई करने आए हैं, वहां भी साबुन चाहिए, सोटा चाहिए, पानी चाहिए, यहां भगवान का ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग चाहिए, तो अंतःकरण निर्मल उठ जाता है। निर्मल अंतःकरण कल्याण के काबल, मुक्ति के काबल, भगवान के काबल, शुद्ध कपड़े आपके काबल, पत्नी के काबल, आपके बच्चों के काबल, धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े, हां मेरे कपड़े पहने तो गंदे होते, खराब होते हैं, कोई पास नहीं बिठाता। महाराज तो कहती है जो मेरे उपदेश को अपने ग्रंथ सारी गीता सुनाई भगवान ने, आखिर में क्या गजब की बात कह दी, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। कभी ना भूलना कल्याणकामी सज्जनों, कल्याणकामी देवियों कभी ना भूलना, कैनन महाराज जी की वाणी को सिर झुका के अपना ना है, विनम्रता दिखा के अपना लेना है, भगवान के प्रति श्रद्धा दिखा के उसके जीवन का अंग बना लेना है, देन इट इज पॉसिबल कि हम लोग अपने कल्याण कर जाएंगे। यही मेरे भगवान करें, शरीर का उत्तम लाभ क्या है, अपनी गंदी वृत्तियों को निकाले, निकालो एक क्या कर, किसी में काम ज्यादा है निकालो, क्रोध ज्यादा किसी में लोभ ज्यादा है, किसी में अहंकार ज्यादा है। वैसे मैं बताऊं, नारी में दो ज्यादा होती है, पता है आपको, मोह और काम की वृत्ति, ये दोनों ज्यादा होती है, नर में लोभ ज्यादा होता है, अहंकार ज्यादा होता है, ये मैं क्लियर कर देता हूं आपको, आप में लोभ ज्यादा, स्टिल मोर, और अहंकार ज्यादा है, वो मुझे समझता है क्या है? आप देखना क्या वाकई आप में ये दो ज्यादा है, वाकई आप में काम की वृत्ति और मोह ज्यादा है। बाबा बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही ज्यादा होती है, जो नारी का मन नर्म है और आपका मन जरा पत्थर की तरह है, लोग ज्यादा आपको टट्टू बनाए हुए, और कमाएंगे और रखेंगे और करेंगे, और अहंकार ज्यादा, अहंकार से तो लड़ाइयां झगड़े फसाद होती हैं, अहंकारी आदमी अपने नाक पर मक्खी बैठे देता, कोई कहावत है हमारे यहां, अहंकारी आदमी अपने नाक में मक्खी नहीं बैठे देता, भले ही ततिया बैठ जाए अचानक वो और बात है, लेकिन मजा ले अब जरा भर भी कोई मक्खी बैठने दे, तो इनको निकालो। मैं आपके साथ, मेरी शुभ भावना आपके साथ, भगवान का ज्ञान आपके साथ, नहीं भगवान की दिव्य शक्ति आपके साथ, निकालो इनको, तभी तो ऐसे स्थान पर आकर एकांत में गीता सुनने का ठोस लाभ हो गया कि मैंने अंतःकरण को निर्मल कर दिया। तो भगवान आपको वैदक कर रहे गए, क्या यही गए मकामे वसाले, कि मेरे दीदार से पहले अवस्था यही बन जाती। निकालो दूसरे अध्याय का आखिरी 72वां श्लोक, कि जब मैं किसी पर कृपा करता हूं तो उसकी आंतरिक अवस्था ये होती है, सब खोटी वृत्तियां निकली होती है, वो बिल्कुल विमल और निर्मल होता है। मेरे नेक जीवो, बेशक एक दिन के लिए आओ, पर असल बात समझ लो कि ऐसे स्थानों में आने का मतलब क्या है। बेशक मेरी बेटी एक दिन आओ, लेकिन एक समझ तो लो, ये स्थान बने क्यों, ये बैठा हुआ क्यों, भगवान का प्यारा गीता का पैरोकार क्यों बैठा है, ये गीता का प्रचारक क्यों बैठा है, गीता का प्रचार करने का मतलब क्या है, भगवान इससे क्यों प्रचार करवा रहे हैं, भगवान ने चोटी को उपदेश दिया क्यों दिया, सुख शांति के लिए, तो सुख शांति को कौन भगा कौन रहा है, हमारी ये गंदी वृत्तियां, तो ये गंदी वृत्तियां निकले आए क्यों, अज्ञानता के कारण से, अज्ञानता से, हाँ तो अज्ञानता का अंधेरा जाएगा कैसे, भगवान के ज्ञान के प्रकाश से, जो जो भगवान का ज्ञान हमारे अंदर बहता जाएगा तो जी ये सब निकलती जाएगी। अब आ क्या मजा आपको साधना करने का, जाप करने का और तलीन होने का, और फिर जो प्रसंग चला हुआ है, इस नष्ट हो जाने वाले क्या इस शरीर का उत्तम लाभ हो गया, क्या हमने इसके अंदर से निकाल दिया, गंदी वृत्तियां गई, तो जो मन बार मुखी होकर धक्के खा रहा था पूर्ण पेन अंतर्मुखी,
अंतर्मुखी मन भगवान की जात में तरीन हो जाता है। याद रखने के लिए करके देख लो, मैं आपके साथ हूं मेरी देवी, मेरे प्रभु की मुस्कुराहट और उनकी उनका ज्ञान आपके साथ है, एक लाभ उठाओ भगवान के ज्ञान का और इनको निकाल दो कि यही बाधा है मैंने निकाल देना है, यही बाधा है मैंने निकाले गंदी मिट्टी को। भगवान आपको शक्ति देंगे, क्योंकि आजकल के विचित्र जमाना में कोई कोई होती है जो अपने अंतःकरण को इन वृत्तियों से खाली करती है, वरना जगह जगह अड्डे बन गए हैं। पता नहीं मैं क्या बकवास करूं, भगवान को क्यों नहीं दया आती? कलयुग में जगह जगह काम का अड्डा, क्रोध का, मोह का, आपकी जाति अब आम घूमने लगी। मेरी बेटी हुई पहले नारियां घर में रहती थी, अब हर दफ्तर में, हर बाजार में, हर गली में, हर जगह मेरी बेटियां घूमती हैं हर जगह। फिर क्या काम की वृत्ति बढ़ती जा रही? जितनी आप अपने आप को हल्की कर रही है, वक्त था नारी चार दीवारी और आज चार दीवारी की चारों दीवारें तोड़ दी गई है। हाय, तो क्या होगा कका? जितनी आप अपने आप को ज्यादा आजादी देंगे, आप ये जानती हैं मेरी बेटी कि आजकल जमाने में सुखदेव नहीं घूम रहे बाजारों में, ध्रुव नहीं घूम रहे, आजकल जमाने में भूल गई हो आप, दुर्योधन घूम रहे हैं, दुर्योधन की शक्लें घूम शक्लें बदली हुई है, दुशासन घूम रहे हैं, है ये शकुनी मामा जैसे घूम रहे गए। हाँ आहा, जब कुछ छेड़ते है तुम्हें, क्या तू रो के कह रही थी? बोल मेरी बेटी क्या कह रही थी? बाबा एक ने मुझे छेड़ दिया, आप बाजार में जा रही थी ना बन ठन के। हाँ तो मैंने कहा नरक कहीं का, तेरे घर में बहन भाई नहीं बैठे हुए, तेरे घर में जो भाभी भरजाई नहीं बैठी हुई, सब बैठी, मैंने कब कहा है? नरक बोला अगले दुर्योधन, सब बैठी है, मेरी बहने बैठी है, मेरी भरजाई बैठी है, तो फिर क्यों छेड़ता है? तेरी जैसी नहीं बैठी हुई, बेड़ा बेड़ा गर्क। देख लो दुर्योधन का जवाब, बाबा मैं तब से ही रो रही हूं, क्या गंदा जवाब दिया। तो बेटी फिर आपको ये सोचना चाहिए ना कि बाजारों में कौन घूमता है, ध्रुव प्रहलाद थोड़ी गए, सारे दुर्योधन है, तो काम की वृत्ति के अड्डे अड्डे बन गए, क्रोध की छोटी सी बात पर हमारे सहनशीलता रही नहीं। रब भी तरस करे मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, बात बात में सहनशीलता कहां है? ना मां में है, ना बाप ने में, ना बहन में, भाई में है, एक की बात में दस ना सुना ले उनको चैन भी नहीं पड़ती, चाहे सगी बहन है चाहे हमारे पिताजी भी है। जरा सा मैं पिताजी का उल्ट हुआ नहीं और पिताजी ने रख रख के सुना दी, जरा सा बेटी ने कोई मां की बात नहीं मानी, क्या खसमानू खानी, मर जाते रहे, मां बोलती जाएगी बोलती जाएगी बोलती जाएगी। हालांकि धी को कहना चाहिए रंडी कहीं की, धी को ऐसी बददुआ कि तू रंडी है तू वेश्या है, लेकिन पता ही कोई नहीं, मां को बोलती जा रही बोलती जा रही बोलती जा रही, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसान हल चलाता और बैल नहीं चल रहा, एक बैल तेज है एक बैल बूढ़ा है, तो उसकी पूछ मरोड़ मरोड़ तेरे साई मरण चलेगा तेरे साई मरण। अब आप जैसे गुजर रहे थे हंस पड़े, हंसते क्यों भाई हो? तुम्हारी मूर्खता पर, मेरी मूर्खता कैसे, क्या बोल रहा है? तेरे साई मरण तो और मैं की कर रहा, बैल चलता नहीं, ऊपर धूप चढ़ रही है, तो इस तरह साई कौन होया? साई तो तू, फिर तू ही मरेगा। नहीं नहीं बेवकूफ, अगर मुझे ये पता होता कि मैं साई हूं तो मैं ये क्यों कहता? जो इसके अर्थ समझेगा वही मरेगा। हाय शाबाश वाह मां दे पुत्रा, बहुत अच्छा, अगर मुझे इसके अर्थ आते तो मैं ये कहता तेरे साई मरण, तू इसके अर्थ समझ रहा तू ही मरेगा। वाह वाह वाह, देख लो चारों ओर वातावरण कैसे जा रहा है, मेरी भगवती वातावरण कैसे जा रहा है। वाह ओए मां दे पुत्रा, मुझे पता ही नहीं, मैं तो बोली जा रहा तेरे साई मरण, चल चल तेरे साई मर, तेरे तो साई तो खुद है। अड्डे देखो जगह जगह, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, जगह जगह पड़ी पड़ी है। जरा जाइए, आप तो बाजार में रहती हैं, भगवान कृपा करेंगे ना आप पर, और आप भी समाज में रहने वाले कल्याण चाहते हैं, और बाधा क्या गए? ये गंदी वृत्तियां जिनके अड्डे आप देख रहे हैं जगह 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 जगह, रब ने या कलयुग ने मत मार के अड्डे चला दिए। आपके सामने है मेरी देवी, और हम कल्याण चाहते हैं, कल्याण में बाधा क्या है? यही यही नकारात्मक वृत्तियां, यही जो हर सुबह शाम हम आदर मान से भगवान के गिर गिरा के कहती हैं, सुनिए क्या आपको, तो आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, क्यों पाप हरो देवा,
ये जितनी गंदी वृत्तियां बढ़ती जा रही है उतना हम पापी बनते जा रहे हैं। पाप का अर्थ अनुचित कार्य कर रही है, अनुचित इरादे कर रही है, अनुचित विचार कर रही है। इसको आपने हिंदू धर्म में हम पाप कहती है। समझी मेरी बेटी, ये गुनाह या पाप कब होते हैं? अनुचित इरादे, अनुचित विचार, अनुचित क्रियाएं, उसको एक शब्द में कहा जाता है पाप। इवल्स है, ये वाइसेस हैं, इवल्स हैं, और हम कल्याण चाहते हैं, इनसे छुटकारा लेना होगा भगवान के ज्ञान से। दुनिया वालों के पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, इसलिए वो अपनी वृत्तियों को बढ़ाई जा रही, गंदी गंदी वृत्तियों को बढ़ाई जा रही, गंदी गंदी वृत्तियां बढ़ती जा रही है, गंदी गंदी वृत्तियां। आओ बच के रहे, भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी गंदी वृत्तियों को हटाए, तब हमारे मालिक हमारे सरताज कह रहे गए, इस नष्ट हो जाने वाले शरीर का पूरा लाभ हो गया। सुनो मेरी बेटी, इस शमशान में लेट कर खाक हो जाने वाले शरीर का पूरा लाभ कब? कब? जब हमने गंदी वृत्तियां इसकी निकाल दी, तब, केवल मात्र तब, तभी मौत बाहर बन गई। इनको निकाल दिया हमने, इनसे अपने आप को बचा लिया। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, भगवान आपको ताकत दे। मेरी देवियों, भले ही नारी का चोला है, पर आप कल्याण चाहती है ना, भले ही आप जिम्मेवारियों में गलतान है, पर फिर भी आप अपना कल्याण चाहती है। आओ इनको निकाले, विवेक से, वैराग से और भगवान के ज्ञान से, जैसे कपड़े साफ होती हैं सोडे से, हाँ सोटे से, हाँ और शुद्ध पानी से, सोडा हो मित साबन हो, सोटा हो और शुद्ध पानी हो, और अंतःकरण विवेक से, वैराग से और भगवान की वाणी से। आपका देश अनादि काल से पुकार के कह रहा है, तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से। वाणी थोक के भाव आपको हर सुबह हर शाम गीता जी मिल रही है, रामायण नहीं, भागवत पुराण नहीं, चोटी का फलसफा, चोटी का ब्रह्म विद्या ज्ञान गीता, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं हो सकता मेरी देवी। खुद भगवान को कहना पड़ा, क्या जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। खुद भगवान को स्पष्ट करना पड़ा कि जीवों के कल्याण के लिए मैंने ये चोटी का ज्ञान प्रकट किया है, ताकि जीव अपना कल्याण करके क्या भगवान की जात में समा जाए। मेरी देवियों और सियाने बने, हम अपना कल्याण करना चाहती हैं, इन गंदी वृत्तियों को निकाल दो, इनको एक ये बैरियर से, मैंने अभी भी कहा था ये हमारी रुकावटें हैं, बैरियर है, इनको निकालें विवेक वैराग और भगवान के ज्ञान से। बस अंतःकरण निर्मल, जो जो आप निकालते जा रही है, तो अंतःकरण मन अंतर्मुखी होता जा रहा है, तो मन निर्मल और एकाग्र होता जा रहा है। वो दिन भगवान करे दूर ना हो जबकि आपका मन पूरा तलीन हो जाए। कब? जब ये निकल जाएंगी, जब आपका मन क्या हो जाएगा, इसकी जगह जब हमने गंदी वृत्तियां भरी, इसकी जगह क्या करना होगा, विवेक भर जाएगा, वैराग भर जाएगा, भक्ति भर जाएगी और पवित्रता बढ़ जाएगी और आपकी एकाग्रता आ जाएगी। ये भी पांचों है, ये भी पांच है, इसकी जगह ये आ जाएगा, शाबाश शाबाश शाबाश, इसकी जगह ये, हां मैं देखता हूं, क्या जिसमें शरबत की बोतल, जिसमें गर्मियों में मई जून के दिनों में शरबत था, पता है लाल लाल रंग का, हां उन्हीं को आप साफ करके और अंदर बुरश मार मार के उसी में आप दूध भरते हैं। आप दूध भर के क्या करती हैं, उसमें फ्रिज में रख देती हैं। जिसमें शरबत था उसी में दूध भरा जा रहा है। हाय जिन इन अंतःकरण में ये गंदी वृत्तियां थी, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, उसी में भगवान की वाणी भर रही है, उसी में प्रभु का ज्ञान भर रही है। अंतःकरण तो दो नहीं होते मेरी देवी मेरे सजनों, अंतःकरण इज वन ओनली, कंटेनर इज वन, कंटेंट्स नो डाउट सो मेनी, बट आवर कंटेनर्स ओवर द माइंड इज कंसर्न ओनली वन। तो हम क्या इसके जो बैड कंटेंट से निकाल दिए, इसके अंदर जो गंदगी भरी हुई थी वो निकाल रही है भगवान के ज्ञान से और महाराज जी के ज्ञान को स्थान दे रही है। प्रभु आपको शक्ति दे मेरे कल्याणकामी सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, तब भी मेरा यार रहना सफल, भगवान की वाणी का विस्तार करना सफल, आपका इतनी कुर्बानी करके आके सुनना सफल, कोई आपको पीठ ठोक के तो नहीं भेजता, अगले नाथ भौं सुकेर के भेजती है, कोई आपको शुभ भावना से नहीं भेजते, कोई
बड़ी कुर्बानी करके, खासकर मेरी देवियां जा रही हैं, बड़ी कुर्बानी करके आओ, फिर अंतःकरण को निर्मल कर गए। अंतःकरण की बोतल में से उन गंदी वृत्तियों को निकाल के भगवान का ज्ञान भर ले, और भारत के अनादिकाल से चल रहे जयकारे का लाभ उठाए। तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से। सुन लो मेरे नेक जीवो, तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से। महाराज जी की चोटी की वाणी जो अंतःकरण की गलासत को, अंतःकरण की बैड क्वालिटीज को निकाल देता है, हम फिर भगवान के योग्य हो गए। हाय, भगवान के योग्य, शाबाश, कितनी सुंदर बात। बार आप बाजार में जाती हैं तो कपड़े सुंदर पहन करके, अच्छे पहन के, अब हमने मालिक के संग आना है, अंतःकरण को निर्मल करती, और निर्मल करने का साधन ही भगवान जी बता रही हैं। निर्मल करने का तरीका मेरे प्रभु बता रहे हैं, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, भगवान करे आज का प्रसंग का आप पर गहरा प्रभाव पड़े, बहुत गहरा प्रभाव मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों पर पड़े, कि मैं इनको साफ करके जाना है, बिल्कुल साफ करके जाना। बार बार आपने सोने से पहले कहा करो, भगवान की कृपा से मेरे में से गंदी वृत्तियां जा रही है, प्रभु मेरे पर दया कर रहे हैं, गंदी वृत्तियां नहीं टिक सकती मेरे अंदर। हाँ, मेरे भगवान की कृपा हो रही है, अब मेरे इष्ट देव की मेरे पर फुल कृपा, फुल कृपा, फुल कृपा, अब ये गंदी वृत्तियां नहीं रहेंगी। जब हम मूर्ख थे, अज्ञानी थे, हमारे में उचित अनुचित की पहचान नहीं थी, तब तो ये वृत्तियां थी, लेकिन अब भगवान की पूरी कृपा, उनका ज्ञान हमारे पास, सत्संग हमारे पास, अब ये खोटी वृत्तियां नहीं रह सकती, कभी नहीं रहेंगी, और मेरा कल्याण जरूर हो जाएगा। ऐसा भाव, पॉजिटिव थॉट बनाया करो अपने अंदर। बेटी ऐसे पवित्र विचार बनाओ, मैं कुछ कर नहीं सकती, कभी ना कहो, भगवान जी आपके साथ है, भगवान का ज्ञान आपके साथ है। ऐसा कह के भगवान का और भगवान के ज्ञान का अनादर मत कीजिए, मेरे प्रभु आपके साथ, फिर क्या जरूरत है। हमारे ये होगा, कोई गरीब लड़का शव कारण गोदी में ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, और वो कहे भूखा मर जाऊंगा, बेटे मत बोलो, मैंने तुम्हें गोदी में ले लिया है, अब भूखा मरने की बात नहीं, लाखों रुपया तेरा मारा हो गया, ये मकान तुम्हारा, तुम्हारी कार तुम्हारी है, चूंकि मैंने गोदी में ले लिया। और ना बुद्धू बनो मेरे बच्चों, हम कुछ कर नहीं रहे, हमारे क्या बातें कर रहे हो। भगवान का ज्ञान आपके पास, इष्ट देव जी की याद आपके पास, अभी आप करें, सचमुच मेरे भगवान की कसम, मेरे प्रभु ने तो आपको गोदी में ले लिया है, वरना आप यहां आते, मेरी बेटी आपका आने का दिल ही नहीं चाहता, वो मेरे उदार मालिक ने आपको गोदी में ले लिया। हाय, शेठ जी तो धन दे देंगे, मकान दे देंगे, कार दे देंगे, भगवान, भगवान अपना प्यार दे रही है, अपना ज्ञान दे रही है, वो समय भी आएगा जब आप हमें योग्य बना के अपना दीदार भी दे देंगे। ये आप नेगेटिव थॉट ना रखा करो, इसमें भगवान का अनादर, ऐसे सेठ को पूछेगा मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे पर कपड़े नहीं होंगे। पुत्र तब ये कहना था जब तू बाजारों में घूमता था, चवन्नी दस्सी दस्सी रुपया पैसे इकट्ठे करने के लिए, हाँ तू भिखारी था, पर अब तो मैंने गोद में ले लिया, आज के बाद नहीं कहूंगा पिताजी, अब मैं आपका बेटा हूं, हाँ, और मैं सेठ हूं, अब मैं और आप भगवान के बच्चे हैं, जो भगवान कह रहे हैं मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं, आश्रम, हम उनके बच्चे बन गए, पहले इस गंदे जहान और गंदी वृत्तियों के बच्चे थे, अब हम भगवान और भगवान के गुणों के बच्चे हैं। धीरे धीरे करके हमारा जरूर कल्याण हो जाएगा, मेरी बेटियां जरूर देवी भगवती बन जाएंगी, देवी भगवती इजिकल टू भगवान के योग, आप देव पुरुष बन जाएंगे, पहले हम एनिमल मैन थे, फिर हम मैन मैन बने, अब हम सुपर मैन है, सुपर मैन इज ऑलवेज क्या भगवान के योग होता है, महाराज जी के लिए डिजर्विंग हो जाता है। नेगेटिव थॉट ना लिया करो, मेरा कल्याण होगा, क्यों, क्या भगवान ने आपको नहीं लिया, क्या भगवान आपको ज्ञान नहीं दे रहा, क्या मुझे आपके लिए नहीं भेजा, क्या ये एकांत आपके लिए नहीं है, फिर भी आपको शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि मेरा कल्याण नहीं होगा, ये सारे सामान भगवान ने आपके कल्याण के लिए नहीं बनाए, क्यों नहीं, हमारे कल्याण के लिए है। फिर आप कैसी जरूरत करते हैं ये कहने की कि मेरा कल्याण नहीं होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, ये सब कल्याण के ही तो समा पैदा किए प्रभु ने। हाँ, ऐसे नेगेटिव थॉट कह के अपने मन को क्या 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 अपने मन को गिराया ना करे।
अपने हौसले को बढ़ाए कि अब तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा। ये जितने भी साधन है ये क्या है, कहावत ने देश की याद आ रही, हो निहार बिरवान के हो चीकने पान, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, आने वाले हालात अपना छाया पहले डाल देती हैं, आने वाले भगवान का दीदार अपना छाया पहले डाल रही है। एकांत मेरी मौजूदगी आपके साथ और विवेकिनी बुद्धि और भगवान का ज्ञान हर सुबह हर शाम तैयारी करवा रहा है, और ऊपर से आकाशवाणी, कौन सी आकाशवाणी, जरा तेल डाला करो अपने कानों में, कौन सी आकाशवाणी, अगर पगड़ी पहनते पगड़ी उतार के सुना करो, आकाशवाणी क्या आ रही है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका, कितनी गजब की आवाज है आपके इष्ट देव की। ए मेरी भगवती, अगर वाल ऊपर रखती तो वालों को परे कर देगा, और जरा यूं कान खिंच खिंच के सुनो भगवान की चेतावनी, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू नहीं आता रहे। ये मेरी भगवान की मीठी मीठी चेतावनी दे रही है, प्रोत्साहन कर रही है आपको, तर जाओ मेरे नेक जीवो, तर जाओ, मेरी भी कदर इसी में है कि आप तर जाओ, गीता की कदर इसी में है कि आप तर जाओ, इस स्थान की कदर इसी में है कि आप आवागमन के चक्कर में ना आओ, तभी ऐसे स्थानों की कदर है कि आप दुखों से निकल जाओ। पर यह संभव कब होगा, जब भगवान के ज्ञान से हम गंदी वृत्तियों को निकाल देंगे। पहले हमने जहान को मत्ता दी थी, जहान की गंदी वृत्तियां आ गई, अब हम सब ने भगवान को महत्ता दे दी, भगवान के गुण आने लग जाएंगे, भगवान के गुण बार बार आपके पास आएंगे, बार बार। पहले वो गरीब लड़का तो गली में धक्के खाता था, हाँ तो वो गधे के ऊपर आया जा करता था, अब शेष जी ने ले लिया है, बढ़िया कपड़े, बढ़िया बाल, कंगी बाई हुई, चुपड़ा हुआ कार में बैठ के जाएगा। अब तो मेरे सजनों आपके पास भगवान का ज्ञान आ रहा है, अब तो अंधेरा अज्ञानता का रह ही नहीं सकता आपके अंदर, थोड़ा सा आप भी जुटो, भगवान भी आपको समझा रहे हैं, मेरे जैसे भी आप ही की उन्नति के लिए आए बैठे हैं, बस सब हालात आपके अनुकूल है। परमार्थ में जैसे एक साधक तरक्की कर सकता है, सब साधन भगवान जी ने आपको दे दिए। बेशक चारों ओर देख लो, घर का वातावरण बदलता जा रहा है, आपके इरादे बदल चुके हैं, विचार पवित्र हो चुके हैं, क्रियाएं लगभग बहुत ही साउंड हो चुकी है आपकी, वो पुराने मित्र यार आपको भाते ही नहीं, पुराना खाना दाना आपने छोड़ दिया, गंद मंद जो पीते थे खाते थे, देख लीजिए मेरी बेटियां क्या खाती थी, अंडे समय करके, अंडों को आलू समय करके, आप गए गंद मंद घर में नहीं बनता, श्रीमान को मना लिया आपने, शराब की बोतलें घर में नहीं आती, ये सारे क्या है, ये होनिहार बिरवान के हो चीकने पान, कितना घर का वातावरण शुद्ध पवित्र बनता जा रहा है, कितने अच्छे प्रातःकाल उठ के आप भगवान के चरणों में हाजिरी दे रहे हो, तर जाओगे तर जाओगे तर जाओगे। अगर जल्दी तरना चाहती हो, मैं आपको बार बार प्रसंग अनुसार कहूंगा, गंदी वृत्तियों को निकाल दो, सिर्फ इन नेगेटिव क्वालिटीज हमारे मन को पूर्ण पे एकाग्र नहीं होने देती, हमें तल्लीन नहीं होने देती, यही हमारी खोटी वृत्तियां, निकालो विवेक वैराग से, भगवान के चरणों में प्रार्थना कीजिए बार बार सवेरे नहा धो करके, क्योंकि भगवान ने करारा करारा वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं, अर्जन मुराद अपनी। पहले हम संसार की मुरादें पूरी करवाते रहे, अब परमार्थ के मार्ग में ये जो रोड़े हैं बाधाएं हैं इनको निकलवाए कि प्रभु अब तुम मेरी यही मुराद पूरी करो, ये गंदी वृत्तियां निकालने में मेरी मदद करो, प्रभु मेरी मदद कीजिए, यही गंदी वृत्तियां रास्ते में रुकावट है, जो मैं आप में तलीन नहीं हो सकता, अपना कल्याण नहीं कर सकता, इसमें हमारी सहायता करो, मेरे जरूर मेरे प्रभु सहायता जोरदार कर देंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस नष्ट जाने वाले शरीर का उत्तम लाभ शौचम, इस शरीर की आंतरिक और बाह्य पवित्रता, बाह्य रूप में तो पवित्रता हम करते ही है, साबुन सुबन इत्यादि नहा के अच्छे कपड़े पहले, लेकिन अंदर ध्यान नहीं दिया, एक बाहर दी करें सफाई पर अंदर झात ना पाई, अंदर तो भर ले पाप प्रभु किवें दर्शन देंगे, साधन दी बुहारी फड़के नित झाड़ू दे ये तरके, एक करिए काम क्रोध कूड़ा करकट साफ प्रभु हमें दर्शन देंगे, प्रभु हमें अपने मार्ग पे लगा लेंगे।
शाबाश, और जरा थोड़ा सा कीर्तन करवाता हुआ आपको आरती उतराऊं अपने इष्ट देव की, हो जा मेरे साथ शामिल। और मन को कीर्तन सिर्फ मन को समझाने के लिए होती है, मन को जरा प्रेरणा देने के लिए होती है, मन में एहसास का मादा पैदा हो जाए। आइए जरा, मन मंदिर करिए साप प्रभु दिसनु नजरिया बन गे, अजी अजी मन मंदिर करिए साप प्रभु दिसनु नजरिया बन गे, महापुरुषों के मीठे मीठे ताने, एक बार भी करे सफाई और पारे अंदर जात न पाई, हाय मारो चोट मन को, एक बार भी करे सफाई ओ पारे अंदर जात न पाई, अंदर ता भर लेनी पाप प्रभु जी की वे नजरी आवन गे, शाबाश शाबाश, मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे, मन साधन दी बुहारी फर के ओ नित झाड़ू दे ये तड़के, ये साधना की बुहारी प्रातः काल जो उठती हो नहाती हो भगवान के चरणों में बैठ के हाजी देती हो, ये साधना की बड़ी, ये तिलों की बुहारी नहीं, किसी और मूर की बुहारी नहीं, ये साधना की बुहारी। कितना अच्छा महापुरुष समझा गए, वो साधन दी बुहारी फड़ के वो नित झाड़ू दे ये तड़के, ये अब पूरा क्रिकेट कौन सा है जो मैंने अभी भी कहा, ये खोटी वृत्तियों को इकट्ठा करके फेंके अंदर से निकाले, ओ साधन दी बुहारी फड़ के ओ नित झाड़ू दे ये तड़के, बहुत अच्छे, करिए कूड़ा करकट साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे, मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे, मन शरदा दे फूल लिया के ओ मन मंदिर खूब सजा के, ये आपके व्यास जी का फरमान, ये कौन से फूल लाती हो जो थोड़ी देर बाद कुमला जाएंगे भगवान के आगे यहाँ पे रखे, ये गेंदे के, ये सूर्यमुखी के, ये चमेली के, ये तो कुमला जाएंगे गुलाब के, वो क्या कह रहे हैं, श्रद्धा के फूल लाओ, विवेक के लाओ, वैराग के लाओ, लगनता के फूल रखो रब दे अगे, ये गुरु के फूल रखो ना, तो सजाओ अपने मन मंदिर को, श्रद्धा दे फूल ले आके वो मन मंदिर खूब सजा के, करिए प्रेम नाल असी जाप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे, करिए प्रेम नाल असी जाप
मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे मन। जय हो प्रभु, जय हो। इस अंत करण दे ओ प्रभु जी दा सोना मंदा ओ भाई ओए इस अंत करण दे ओ मेरे प्रभु जी दा सोना मंदा। वाह वाह आओ करिए प्रेम नाल असी जाप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे करिए। बहुत अच्छे आ मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे मन मंदिर। शाबाश मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे मन। एक बार फिर ये चोट मार लो। एक बार अधिकारे सफाई वो पर अंदर जात न पाई एक बाहर अधिकारे सफाई वो पर अंदर जात न पाई अंदर ता भर लेनी पाप प्रभु जी की वे नजरी आवन गे। जाओ जाओ मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे मन। हार्दिक धन्यवाद हो मेरे सजनों मेरी देवियों, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपने शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा रे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्याला ये मेरा, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।